आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चटपटा तीखी मसालेदार मिक्स वेजिटेबल सब्जी। लंच हो या डिनर या फिर घर में कोई गेस्ट आ जाए, आप इसे झटपट तैयार कर सकते हैं और इसे एक बार खाने के बाद आप ये बेहतरीन सब्जी का स्वाद कभी भी नहीं भूल पाएंगे। इस सब्जी का स्पेशलिटी ये है कि ये झटपट बन जाएगी पर खाने में एकदम मस्त लगेगी। अक्सर ढाबे में हम इस तरीके का सब्जी ऑर्डर करते हैं। दोस्तों, ये सब्जी उससे भी ज्यादा टेस्टी बनी है, तो इसे आप जरूर ट्राई करें। ये टेस्टी सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले सब्जी को करेंगे फ्राई। तो उसके लिए मैंने लिया है ये सारी सब्जियाँ। लिया है थोड़ा सा गोभी के फ्लोरेट्स, आधा शिमला मिर्च, आधा गाजर, एक मीडियम साइज के आलू और साथ में लिया है दो टमाटर। सारे सब्जियों को मैंने एक ही जैसे लंबाई में काट लिया है, आप देख सकते हैं। आप अपने पसंद अनुसार वेजेस को काट सकते हैं। तो सबसे पहले हम आलू और गोभी को फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने सरसों के तेल लिया है और सरसों के तेल को बहुत ही अच्छे से गर्म कर ले, फिर सब्जी को आप फ्राई कर ले। इससे सब्जी का स्वाद बहुत ही बढ़िया होगा, पर आप चाहे तो वेजिटेबल ऑयल में इसे बना सकते हैं। इसमें चौथाई छोटा चम्मच हल्दी डाल के इनको फ्राई कर ले। थोड़ी देर बाद ये देखिए आलू और गोभी को मैंने 60% फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें गाजर को फ्राई कर लेंगे। सब्जी को आप गोल्डन करके फ्राई करें, इससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया होगा। पर अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो आप पहले सब्जी को आधा पका के बाद में इन्हें फ्राई करें। और आप देख सकते हैं आलू, गाजर और गोभी को मैंने कितना बढ़िया फ्राई कर लिया है और देखिए ये पक भी गए हैं। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। कैप्सिकम और टमाटर को हम बाद में फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, फ्राइड सब्जी का चेहरा आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। और फ्राई करने के साथ साथ तेल भी हमारा बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगे हैं। तो दो चम्मच तेल रख कर बाकी तेल को हम साइड में रख देंगे। उसी तेल में एक चम्मच जीरा, थोड़ा सा खड़े गरम मसाला डाल के हल्का सा चला लेंगे। उसमें हम आधा छोटा चम्मच हींग डाल के इन तीनों को कुछ सेकंड फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच घिसा हुआ लहसुन अदरक को डाल के और कुछ सेकंड फ्राई कर लेंगे। अभी दो मीडियम साइज के प्याज को डाल के इसी के साथ प्याज को भी हल्का सा फ्राई कर ले। दो मिनट के बाद इसमें हम कैप्सिकम को डाल देंगे और प्याज के साथ एक मिनट चला लेंगे। दोस्तों, ये सब्जी बहुत ही टेस्टी है। आप इसे रोटी, चावल, पूरी, पराठा के साथ खाएं, आपको बहुत ही पसंद आएगा। फिर इसमें डाले टमाटर को और दो मिनट चला ले। दोस्तों, वेजेस को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सब्जी का क्रंचीनेस हमें बरकरार रखना है, तभी तो ये सब्जी खाने का असली मजा आएगा। दोस्तों, सब्जी हमारा मैशी नहीं होना चाहिए, इनको हमें हल्का सा क्रंची रखना है। तो अभी इसमें कुछ बेसिक मसाले ऐड करेंगे। पहले एक तिहाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वादानुसार नमक, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे सब्जी का लुक्स बहुत ही सुंदर आएगा। चौथाई छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, बढ़िया स्वाद के लिए। और बस इन सूखे मसालों को सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर ले। अब हम इसमें फ्राई किए हुए बाकी सब्जी को डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जी को स्पाइसी बनाने के लिए इसमें अभी दो हरी मिर्च को बीच से चीरा लगा के डाल ले, इससे सब्जी का लुक्स और टेस्ट बढ़िया होगा। और बस कढ़ाई की लीड लगा दे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे दो मिनट पकने के लिए छोड़ दे, ताकि सारे मसाले का फ्लेवर सब्जी में उभर कर आए। क्योंकि ये सूखी सब्जी है तो इसमें पानी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, पर अगर आप इसे ग्रेवी वाली सब्जी बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें डाल सकते हैं। और बस सब्जी हमारा लगभग तैयार है।
बस एकदम लास्ट में आधा नींबू को ऐसे निचोड़ के डालें। और डाल दे थोड़ा सा फ्रेश धनिया पत्ता। अरे वाह, धनिया पत्ता का फ्लेवर तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं सब्जी में, है ना। और सब्जी के साथ अच्छे से मिला ले। रेडी है हमारा गर्मा गर्म मिक्स वेजिटेबल सब्जी, वो भी एकदम नए तरीके से। इसे आप रोटी, चावल, पूरी, पराठा के साथ खाएं। बहुत ही टेस्टी, स्पाइसी, चटपटा ये बने हैं दोस्तों। इसे एक बार खाने के बाद आप इसका स्वाद कभी भी भूल नहीं पाएंगे, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें फीडबैक देकर ज़रूर बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इसे हम रेस्टोरेंट स्टाइल में एक सर्विंग कढ़ाई में सर्व कर लेते हैं। वाओ, आप देख सकते हैं सब्जी का टेक्सचर कितना यम्मी, मसालेदार, खूबसूरत ये सब्जी तैयार है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो ये वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करें ये रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो ऐसे नया नया रेसिपी देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। तो उसके लिए मेरी वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब लिखा हुआ एक बटन मिलेगा, उसको जरूर दबा लें। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, हैव ए लवली डे।